Assalamualaikum, my name is Rabia and I am part of Step of Administration. आज Google Survey Forms के टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा कि इसे कैसे अर्निंग की जा सकती है। ये एक पार्ट टाइम जॉब है जिसको फ्रीली घर पे किया जा सकता है Google से, या बना सकते हैं किसी की किचन सीट में रेजिडेंट की जरूरत नहीं होती है। और अगर फीवर पे आप इसका अकाउंट बना लेते हैं, गिग बना लेते हैं, तो $300 पर मंथ के हिसाब से इसे अर्न किया जाता है। और एक ऐसी स्किल है जो एक ही दिन में लर्न की जा सकती है। अब गूगल सर्वे फॉर्म होता क्या है, ये बेसिकली दुनिया के अंदर बहुत सी ऐसी कंपनीज होती हैं जो मेंबर की लाइक और डिसलाइक के लिए एक सर्वे फॉर्म क्रिएट करवाती हैं। इसमें से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके आंसर के अकॉर्डिंग से जो कंपनी है वो एनालाइज करती है और नई चीज़ों को एडिट करती है या फिर कोई चीज़ रिमूव कर देती है। लेट्स स्टार्ट दी वर्क। सबसे पहले गूगल पे टाइप करेंगे गूगल फॉर्म, यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे हमने जो कि फॉर्म बनाना है, तो हम गो टू गूगल फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जो नेक्स्ट पेज ओपन हुआ है ये है कि गूगल जो है वो फ्री टेम्पलेट भी देता है। यहाँ पे कुछ टेम्पलेट मौजूद है, अगर इनसे रिलेटेड आपने बनाना हो लाइक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन तो यहाँ से भी फ्री लिए जा सकता है, लेकिन हमने जो एक रिलेटेड काम करना है तो हम ब्लैंक लेंगे। तो यहाँ पे एक पेज ओपन होगा, तो इसको जो नीड सर्वे फॉर्म बनाने के लिए हम थीम पे एडिट करेंगे। तो सबसे पहले कस्टमाइज थीम पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हम चूज इमेज पे क्लिक करेंगे। अब जो आपको कस्टमर देगा इमेज उस वही आप पुट करेंगे। यहाँ से भी अगर आपको पुट करना चाहें तो कर सकते हैं जो आप अकॉर्डिंग लगे। तो ब्राउज पे क्लिक किए, अपलोड ब्राउज, देन हम पिक लेंगे, पिक्चर अभी अपलोड हो रही है, अब डन। तो यहाँ पे लग रहा होगा कि पिक्चर अपलोड नहीं होगी, लेकिन आपने डन कर देना है, ये अपलोड हो जाएगी। ये देखिए पिक्चर अपलोड हो चुकी है। यहाँ से आप पिक्चर कलर भी चेंज कर सकते हैं, मैं ये कलर रहने दूंगी और उसके बाद बैकग्राउंड कलर मैं ये कर देती हूँ। फॉन्ट साइज मुझे बेसिक ही चाहिए, मैं बेसिक ही रहने दूंगी। और इसके बाद हम टाइटल पे मैं फॉर एग्जांपल लिख देती हूँ कस्टमर डिटेल। कस्टमर डिटेल और फ्री डिस्क्रिप्शन में आप कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल लिख देती हूँ प्लीज फिल द फॉर्म विद डिटेल। प्लीज फिल द फॉर्म विद डिटेल। अब ये जो है पोर्शन कंप्लीट हो गया है। क्रॉस पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से प्लस पे क्लिक करेंगे और क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो क्वेश्चन कीप इन माइंड ऐसे होने चाहिए कि जो पुट कर रहा है ये फॉर्म फिल कर रहा है उसको क्वेश्चन जो इंटरेस्टिंग लगने चाहिए, उसको बोरिंग नहीं लगनी चाहिए। पहला क्वेश्चन है, मैं फॉर एग्जांपल लिख देती हूँ ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस, अब इस टॉपिक के अंदर जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है जिसमें ये होता है कि क्वेश्चन को वो पूछ देते हैं तो उसके हिसाब से ऑप्शन दे देता है। तो इसमें शॉर्ट ऑप्शन की ऑप्शन दे दिया है। इसमें जो ऑब्वियसली जो ईमेल होगा वो जो पुट करने वाला होगा वो क्वेश्चन के आंसर के तौर पर ही इसका ऑप्शन देगा। यहाँ पे मैं रिक्वायर कर देती हूँ कि जो जो ये फिल कर रहा है फॉर्म उसको इस क्वेश्चन को फिल के बगैर नेक्स्ट पे मूव नहीं होगा। प्लस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब यहाँ पे क्वेश्चन की बहुत सी टाइप्स आई हुई हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, उसके नीचे आप ऑप्शन लिख देंगे। मल्टीपल जो है जगह चेक बॉक्स, मल्टीपल चॉइस की तरह से ही होता है, लेकिन इसके पहले एक चेक बॉक्स आएगा उसके अंदर जो ये फॉर्म फिल करने वाला होगा उसके अंदर फिल करेगा। ड्रॉप डाउन को क्लिक कर लेते हैं, तो ड्रॉप डाउन के अंदर ऐसा होगा, ड्रॉप डाउन के अंदर मैं लिख देती हूँ एज। तो एज, और अब ड्रॉप डाउन मैंने पहले ही सेलेक्ट कर लिया था बिकॉज इसके ऑप्शन जो मैंने देनी है वो ड्रॉप डाउन देनी है। तो ड्रॉप डाउन मैं लिख देती हूँ 24 to 60, देन 61 to 80। तो ये ड्रॉप डाउन के ऑप्शन हो गई। अब ये हमारा एक स्टेप जो है ये कंप्लीट हो गया है और अब हमने जो है वो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाना है। तो ये नेक्स्ट सेक्शन का ऑप्शन है, यहाँ से हम क्लिक करेंगे और एड सेक्शन का क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे इस सेक्शन में हमने कंपनी के बारे में बताना होता है। तो जो हमने कंपनी ली है तो वो मिली है हस्की हेल्थ इंश्योरेंस, यहाँ पे दे देते हैं।
ये सारा मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रही हूँ। तो यहाँ पे कोई सी भी डिस्क्रिप्शन लिखी जा सकती है क्वेश्चन को पुट करने के लिए। ग्राफिक क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन में लिख देती हूँ हाउ इजी इज टू फाइंड डॉक्टर इंदुरेजा, डॉक्टर इंदुर एरिया हू पार्टिसिपेट इन योर प्लान प्लान। ये हमने क्वेश्चन लिख दिया। तो इसमें जो है हम चेक्स, अब ऑप्शन पे जाएंगे तो चेक बॉक्स में समझाने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन लिख देती हूँ। तो यहाँ पे कर देंगे इजी नॉट इजी, चार पांच इतनी भी ऑप्शन लिखने देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बॉक्स की फॉर्म में ऑप्शन है, यहाँ पे हम रिक्वायर्ड नहीं करते और नेक्स्ट क्वेश्चन पे पुट कर देते हैं। वहाँ पे देखिए हमने रिक्वायर्ड किया था और स्टार का ऑप्शन आ रहा है जिस जो कि ये शो कर रहा है कि ये क्वेश्चन जो है कंपल्सरी है, इसके पुट किए बगैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ड्रॉप डाउन की भी हम ऊपर बता चुके हैं किस तरह की इसके ऑप्शन लिखेंगे। तो लिनियर स्केल क्या होता है, लिनियर स्केल ऐसे होता है कि क्वेश्चन आप लिख देते हैं तो उसके आगे जो है 1 to 10 तक ऑप्शन दी जाती हैं, जो होता है जिसने ये फॉर्म फिल करना है वो फिर अपनी चॉइस अकॉर्डिंग कि वो इस कंपनी को कितने 10 में से कितने पास देना चाहता है वो फिर दे देता है, ये होता है लीनर स्केल। तो इसके बाद इसमें जो है डेट का ऑप्शन एक आ रहा है यहाँ पे, तो डेट का ऑप्शन मैं बताती जाऊँ कि ये कैसे होता है। डेट का ऑप्शन ऐसे होता है कि एक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आपने ये दिया है कि व्हाट यू गो योर फर्स्ट इंश्योरेंस लाइक दैट, तो इस तरह से मंथ या ईयर में ही जो आंसर देने वाला होगा वो अपना आंसर देगा। तो अब यहाँ पे जो है हम पिक्चर भी लगा सकते हैं, लोगो भी लगा सकते हैं, तो मैं वही लोगो लगाती हूँ जो मैंने पहले लगाया था। तो ये देखें लोगो लगा के भी क्वेश्चन किया जा सकता है, ये ऑप्शन की फॉर्म में ही होगा। तो मैं लिख देती हूँ गुड, ये लोगो जो है ये गुड है या बैड या वेरी बैड। तो ये जो है वो अपना मेंबर जो है वो अपना अपनी ओपिनियन दे सकता है। अब पैराग्राफ कैसे इसमें देना है, तो पैराग्राफ में मैं एक ऑप्शन दे देती हूँ डू यू, देखिए आगे इसने पैराग्राफ की ऑप्शन ऑलरेडी दे दिया। तो ये हो गया है, अब इसके बाद हमने इसको प्रीव्यू करना है, तो प्रीव्यू यहाँ पे आई पे क्लिक करेंगे तो ये जो है प्रीव्यू हो जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट इस तरह से ये प्रीव्यू हो जाएगा जितना हमने काम किया है। इसके बाद अब हमने इसको भेजना कैसे है, सेव कैसे करना है, यहाँ पे कोई सा भी ईमेल दिया जा सकता है, 2 या 3 ईमेल भी आपको दिए जा सकते हैं। तो ये अब हम कॉपी लिंक कर लेंगे कि ये अब हम इसके बाद हम डन कर देंगे, तो इसको इसलिए कॉपी लिंक इसलिए होता है कि जो रिस्पोंडेंट है जिसको हमने ये भेजना है उसको फिर हम ये लिंक कॉपी करके भेज देंगे। तो फिर जब उसमें आगे सोशल प्लेटफॉर्म पे ये फर्दर लगाना होगा तो वो यही लिंक लगाएगा और अपनी जो है रिस्पोंडेंट से
उनकी ओपिनियन ले लेगा। तो आपका काम यहीं तक है इसके बाद। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू फॉर लिसनिंग।